मुझे बड़ी तकलीफ होती है सरदार। जमीन हम बहन भाई के साथ तीसरी औलाद है मेरे बाबा की, और जब अपनी औलाद किसी दूसरे के पास हो तो बर्दाश्त नहीं होता ना। सरदार ये बेवकूफ है, खामखा ऐसा बातें कर रहा है। ये जमाल और उसकी बेटी है ना? जी सर। रोको गाड़ी। हाँ। सलाम सरदार। वालेकुम सलाम। सलाम सरदार। वालेकुम सलाम। घर जा रहे हो? जी सरदार, तो परिवश को छुट्टी मिल गया था ना, इसको लेने आया था। तुम दूसरी गाड़ी में जाके बैठो गार्ड्स के। तुम लोग आओ मेरे साथ बैठो। सुबह को लेने आया था, लेकिन अभी तक सलूट पास नहीं किया उसने। सरदार, परिवश का टेस्ट पास हो गया। इसने सब लड़कियों में सबसे पहले पास किया। कोई परेशानी तो नहीं है ना पीएमए में? नहीं सरदार, पीएमए में कोई परेशानी नहीं है। सुबह भी यही कहता है, पता नहीं क्यों सलूट टेस्ट नहीं पास हुआ। हो जाएगा सरदार, टाइम लगता है। एक भी चीज खराब हो ना तो वो पास नहीं करते हैं। आपको तो पता है ना, फौज का अपना स्टैंडर्ड और मयार है उनका। हाँ, ये तो है। कितनी ट्रेनिंग रह गई है तुम्हारी? सरदार अभी तो पहली टर्म खत्म हुई है और अभी है कुछ महीने और। सरदार, आपसे एक बात भी करनी थी। हाँ बेटा, कहो। मेरे बाबा की कुछ जमीन है आपके पास, कुछ कर्ज के बदले। मैंने आपसे दरखास्त करनी थी कि मैं अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं, तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ देंगे? मुझे पता नहीं जमाल की ज़मीन कितने पैसों के एवज है हमारे पास, लेकिन मैं देखता हूँ। सरदार, मेरे बाबा ने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। सारे पैसे मुझ पर और यूसुफ पर खर्च करती हैं और ज़मीन को तरसी हुई नज़रों से देखते हैं जब भी वहाँ से गुजरते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है सरदार। जमीन हम बहन भाई के साथ तीसरी औलाद है मेरे बाबा की, और जब अपनी औलाद किसी दूसरे के पास हो तो बर्दाश्त नहीं होता ना। सरदार ये बेवकूफ है, खामखा ऐसा बातें कर रहा है। ये जमीन तो आपका ही है, किसी और से भी कर्ज लेता तो जमीन तो रखवाना पड़ता ना। ये पागल है, इसको कुछ नहीं पता है। सरदार, बाबा मुफ्त में नहीं लूंगी, कर्ज वापस करूंगी। फिर सरदार तो हमसे बहुत ज्यादा अमीर है, कर्ज वापसी के लिए किस्तों की सहूलत दे देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। चुप चुप चुप, अभी एक लफ्ज भी नहीं बोलना, बस चुप। चुप बाबा। I'm Tasha Kalidasa. Subscribe ARY Digital to watch Sinf-e-Aahan.